हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 सितंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरो था के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरो था की और अप स्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पावर ग्रिड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 2.27% का पॉजिटिव मूव देखने में, 204.65 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम देखने मिला है। कैंडल मीडियम साइज की यहाँ पे बॉडी बनी है, ऊपर के साइड में छोटी सी विक देखने मिल रही। RSI 67-68 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव जो है हमें अराउंड 201 के आसपास जाते हुए देखने, उसको भी क्रॉस करते हुए इजी मूव हमें जो है वो 198 के आसपास जाते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड को हेल्प चाहिए, नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में यहाँ पे बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मार्क्ड है। फिलहाल कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं, जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की बात करें 204.80 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 204.20 का, डायरेक्ट रिजन आता 203.30, यहाँ पे 205.15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से, डायरेक्ट रिजन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया उसका जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट्स हैं और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या, अगला सपोर्ट आता है 203.35 का, उसके बाद क्या 201.70 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 206.20 का, उसके बाद क्या 207.10 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग है। एक्सपेक्टेड 203.35 से लेकर 204.20 के रेंज में क्लोजिंग देखने मिल सके, इस रेंज में एक नेगेटिव क्लोजिंग में जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।